लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और ऐसे में मतदाता बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बासुरी स्वराज भी मतदान केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने मतदान किया और इस दौरान उन्होंने जनता से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। महापर्व है, मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आइए, अपना लोकतांत्रिक हक इसको आज उपयोग करिए, विकसित भारत के लिए वोट करिए, सशक्त राष्ट्र के लिए वोट करिए। भारत माता की जय। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पॉलीक्लिनिक के, जहाँ पे मतदान चालू हो चुका है। जी हाँ, सुबह 7 बजे मतदान चालू हो गया था और सबसे पहला मतदान किया है लोकसभा जो नई दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आते पहले अपने मत का प्रयोग किया और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुई। और सबसे अच्छी बात ये रही, इस बार जो छठे चरण का मतदान हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था की गई है। बात करें बुजुर्गों और सीनियर सिटीजन्स के लिए पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, हवा का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। साथ ही अगर जनता से ज़्यादा अपील किए ज़्यादा से ज़्यादा मत का इस्तेमाल करें और जिससे कि वोट संख्या बढ़े। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के 7 प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, अनादि टीवी।